दोस्तों आजकल 200-300 करोड़ खर्च करके ऑडियंस को फिल्म के नाम पे जो कचरा बेचा जा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि 80 के दशक में बनाया गया रामानंद सागर का रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें दिखाया गया हर एक दृश्य बहुत ही सरलता और सफाई से लोगों के सामने पेश किया गया है, जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए। और कुछ लोग तो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस अद्भुत धारावाहिक को लोगों के सामने कैसे पेश किया गया होगा, किस तरह इसकी शूटिंग हुई होगी और कैसे कलाकारों ने इसमें काम किया होगा, और सबसे अहम सवाल कि आखिर इस पूरी शूटिंग में खर्च कितना आया था। दोस्तों 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का निर्णय लिया तो उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर ये एक अविश्वसनीय चीज बन के रह जाएगी जिसके मिसाल लोग सालों साल देंगे। उन्हें तो बस इतना पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पे बनने वाले इस रामायण को बहुत ही सरलता और बहुत ही बारीकी से तैयार करना होगा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया जहाँ पर वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। इस जगह की बहुत खोजबीन हुई और अंत में गुजरात के छोटे से शहर उमरगांव को रामायण की शूटिंग के लिए चुना गया। रामायण की शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी नहीं थी, इसलिए शूटिंग बहुत आराम से हुई और पूरे 550 दिनों तक पूरे कास्ट और क्रू मेंबर्स ने मिलकर इस जगह पर रामायण के 78 एपिसोड्स फिल्माए। उमरगांव मायानगरी मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, इसलिए ज्यादातर कलाकार शूटिंग के बाद यहीं पर रुक जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तो मुंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे, जबकि बाकी के कलाकार यहीं रुककर अपना काम करते थे। और इस दौरान सभी कलाकारों में बहुत ही ज्यादा मेलजोल बढ़ गया था, सब लोग परिवार की तरह रहने लगे थे। तभी तो जब रामायण की शूटिंग का आखिरी दिन था तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, मानो उनसे कोई अनमोल चीज छीनी जा रही हो। जब रामायण धारावाहिक का टीवी पर प्रसारण किया जाता था तो सड़कें सुनसान पड़ जाते थे, घर के सभी लोग टीवी के आगे नजरें टिकाकर बैठ जाते थे और कुछ लोग तो टीवी न होने पर पड़ोस के घरों में खिड़की से झांककर रामायण देखते थे। बहुत से लोग तो रामायण को केवल एक धारावाहिक नहीं समझते थे बल्कि प्रभु श्रीराम की साक्षात छवि समझकर टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल और माता सीता के रोल को करने वाली दीपिका चखलिया को तो लोग असल में भगवान राम और माता सीता समझ बैठते थे। जब कभी ये दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। कुछ लोग तो अपने दुख दर्द उनके सामने व्यक्त करते थे, ये सोचकर कि भगवान उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। लोगों का ये प्यार और विश्वास देखकर कलाकार भी भावुक हो जाते थे। शूटिंग के बारे में बात करें तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बताते हैं कि धारावाहिक में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा गया है, लेकिन शूटिंग के दौरान इस तरह के दृश्यों को फिल्माना वो भी 80 के दशक में बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसके लिए उन्हें कुर्सी या स्टूल पे बस खड़ा कर दिया जाता था। और जब हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे उठाने वाला सीन किया था तो सीन को फिल्माने में हर किसी को बहुत मजा आया था। रामायण के उस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके इस सीन को तैयार किया गया। उस समय सुनील लहरी और अरुण गोविल को पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब इस दृश्य को टीवी पर दिखाया गया तो ये भारतीय टेलीविजन का अपने समय का सबसे बेहतरीन सीन बन गया, जिसके लिए कलाकारों को केवल डायरेक्टर के निर्देश का पालन करना था। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा था। हालांकि जब ये सीन एडिट होकर उनके सामने आया तो उन्हें समझ में आया कि ये सीन कितना ज्यादा खूबसूरत और अद्भुत था, जिसे देखकर दर्शक ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि आजकल तो ये सब कुछ आम बात लगती है, लेकिन तब दर्शकों के लिए इस तरह का दृश्य देखना वो भी टीवी पर किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामायण के बारे में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब उमरगांव में शो की शूटिंग चल रही थी तब न जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे, और केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई सारे VIPs भी इस शो को इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि कलाकारों से पर्सनली मिलने के लिए वो उमरगांव जाते थे। प्रेम सागर जी का कहना था कि शूटिंग करने का कोई भी समय तय नहीं था, जब तक सीन पूरे नहीं होते थे तब तक कलाकार शूटिंग करते रहते थे। कई बार तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक भी शूटिंग चलते रहते थे और कलाकार पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना काम करते थे। हालांकि शूटिंग के दौरान उनके खाने पीने और आराम करने की पूरी व्यवस्था की गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करवाना पड़ता था, क्योंकि उनके मेकअप में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में जो जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे उन्हें इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उन्हें ये प्रस्ताव दिया जाता था कि अगर कोई शूटिंग में काम करना चाहता है तो उसे मेहनताने के साथ साथ फ्री में खाना भी मिलेगा, जिसे सुनकर लोग भागे दौड़े काम की तलाश में शूटिंग में शामिल हो जाते थे। आजकल के कलाकारों की ओवर एक्टिंग देखकर भले ही आप बोर हो गए हों,
लेकिन भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की सरलता देखकर तो सच में ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान राम ने इनके अंदर वास कर लिया हो। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि पहले अरुण गोविल को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो रोल मांगने के लिए पहुंच गए और उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। जिसके बाद रामानंद सागर जी ने कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल जी को भी बुलाया गया, लेकिन उनका ऑडिशन टीम को पसंद नहीं आया इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने वापस अरुण गोविल को मिलने के लिए बुलाया और तब जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए अपना लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी हल्की सी मुस्कान देखकर तुरंत उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान राम जैसी सरलता और प्यार नजर आया और वाकई में अरुण गोविल ने इस किरदार में जान फूंक दिए थे। वैसे आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि माता सीता का सरल किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया कई बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने विक्रम बेताल में काम करना शुरू किया और उसमें वो महारानी का किरदार निभा रहे थे। एक बार दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। बाद में पता चला कि वो बच्चे रामायण धारावाहिक में लवकुश के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने भी रामायण में काम करने की इच्छा जताई और पूरे लुक टेस्ट और डायलॉग वगैरह का ऑडिशन पास करने के बाद रामानंद सागर जी ने दीपिका को माता सीता का किरदार दे दिया। और अगर हम रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की बात करें तो ये वाकई में घर घर लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन इस दमदार किरदार के लिए रामानंद सागर की वो पहली पसंद नहीं थे, बल्कि हर कोई रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी को चाहता था। अरविंद त्रिवेदी गुजराती पिक्चरों में काम किया करते थे, हालांकि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब वो ऑडिशन देकर बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर को लगने लगा कि इस बंदे में जरूर कोई बात है। तब जाकर उन्होंने रावण का लुक टेस्ट और डायलॉग वगैरह का ऑडिशन दिया और वो तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि अरविंद त्रिवेदी को रावण के किरदार में ढलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ते थे। शूटिंग से पहले कई घंटों तक वो तैयार होते थे। आभूषणों से लेकर कपड़ों तक हर एक चीज का वजन ही कई किलो का होता था और अकेले मुकुट ही 10 किलो का था, लेकिन अरविंद बहुत ही सरलता से हर एक चीज को संभालते थे और अपने किरदार को ईमानदारी से निभाते थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी शूटिंग के दौरान व्रत रखते थे और घर जाने के बाद ही अपना व्रत तोड़ते थे। दोस्तों, कलाकारों और शूटिंग की पूरी कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, अब जरा बजट पे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि आज से 35 साल पहले रामायण का एक एपिसोड बनाने में पूरे 9 लाख का खर्च आता था और उस समय के 9 लाख आज के समय के 1 करोड़ के बराबर हैं। यानी कि अगर आज रामायण बनाई जाती तो एक एपिसोड का 1 करोड़ खर्च होता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतना बेहतरीन मास्टरपीस बनके तैयार हो गया। अब तो सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो चीज बनके तैयार होती है वो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। इस धारावाहिक ने दूरदर्शन को 23 करोड़ रुपए की कमाई करके दी थी, वो भी आज से 35 साल पहले, जिसकी कीमत आज कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपको रामायण धारावाहिक कितना पसंद है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें।